नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें फटाफट। विश्व संवाद केंद्र द्वारा आयोजित वार्षिकी पत्रिका विमोचन कार्यक्रम में संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि मीडिया की समाज में भूमिका सकारात्मक होनी चाहिए। मीडिया में अच्छी और सकारात्मक खबरों को कोई स्थान नहीं मिल रहा है, जिससे समाज में बनता है नकारात्मक वातावरण। विवादों के बीच लगातार बढ़ रही है रामचरितमानस की लोकप्रियता। दो वर्ष बाद प्रगति मैदान में लगे विश्व पुस्तक मेले में पहले ही दिन रामचरितमानस की हुई रिकॉर्ड बिक्री। श्री रामचरितमानस पर सदन में बोले सीएम योगी, ताड़ना का मतलब मारने से नहीं देखने से होता है। ग्रंथ को जलाकर किया हिंदुओं को अपमानित। होली बाजार पर चढ़ा स्वदेशी का रंग, भगवा गुलाल की बढ़ी मांग। पहले 80% गुलाल के बाजार पर चीन का था कब्जा। यूपी के औरैया में समूह की महिलाओं ने अच्छलदा सीएचसी में खोली कैंटीन। समूह की महिलाओं द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ाया जा रहा है कदम। सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आएंगे उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में खाना बनाने वाली भोजन माताएं। रिटायरमेंट पर मिलेगी सम्मान राशि। भारत की बढ़ती शक्ति को देखकर इंग्लैंड के अंग्रेज सांसद ने भारतीय भाषाओं को अपनाने की दी सलाह। कहा, भारत की अर्थव्यवस्था में निहित ब्रिटेन का लाभ। यूपी के हाथरस में 19,000 नलकूप उपभोक्ताओं का बिल होगा माफ। 17,000 किसानों को होगा लाभ। मीटर नहीं लगवाने वाले किसान होंगे लाभ से वंचित। यूपी के जौनपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। 6 गौ तस्कर गिरफ्तार। 25,000 का इनामी था आरोपी। प्रयागराज में अनुसूचित जाति से संबंधित महिला कांस्टेबल का आरोप, धर्म परिवर्तन कराना चाहता है पति इमरान खान। हनुमान चालीसा पढ़ने का भी करता है विरोध। आज के समाचारों में बस इतना ही। फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।